मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जेर निगरानी नाम नेहाद इंतखाबात के खिलाफ मीरपुर आजाद कश्मीर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। भारतीय इंतखाबात को गैर कानूनी करार देते हुए मकबूजा कश्मीर के अवाम को इनके हक के खुद इरादे देने का मुतालबा किया गया। मुजाहरीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस दिया जाए और कश्मीरियों को मुकम्मल आज़ादी दी जाए। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने कश्मीर की आज़ादी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ की और इस अज़्म का इयादा किया कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक इनकी जिदोजहद जारी रहे। डीजी हेल्थ ऑफिस में डायरेक्टर की सरबराही में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इंसदारे डेंगी का इजलास हुआ। शहर में डेंगी के बढ़ते केसेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर डेंगी की सूरत हाल का तजिया करके रोजाना वज़रा सेहत को रिपोर्ट पेश करने का पाबंद होगा। सेंटर निजी हस्पताल के डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवाने का भी पाबंद होगा। डेंगी कंट्रोल सेंटर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करेगा। तमाम एलाइड महकमा जात के सेक्रेटरी रावलपिंडी का दौरा करके इंसदारे डेंगी सरगर्मियों को खुद मॉनिटर करेंगे। लोकल गवर्नमेंट और महकमा ज़रात थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की कारकर्दगी बारे इजलास मुनक़िद हुआ। राना सिकंदर हयात ने जमात नहम के नतायज पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। CEO तालीम को नाकिस कारकर्दगी के हामिल साथ बदलने की हिदायत भी जारी की गई। कश्मीर पुलिस की एक और बड़ी कामयाब कार्रवाई, 37 अफराद को अगवा होने से बचा लिया। बिहाड़ी के रिहायशी लकड़ियाँ काटने के झांसे में कच्चे की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने इतला थाना बडानी की हदूद से बचाया। एक ही कबीले के 37 अफराद जिनमें 10 खातीन 22 मर्द और 5 बच्चे शामिल थे, तमाम अफराद को बाहिफाजत कश्मीर पुलिस ने वर्सा के हवाले कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की भरपूर कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन शहजाद मक्सी की सरबराही में 3 मिल्क शॉप, आइसक्रीम यूनिट, बेकरी की इंस्पेक्शन की गई। कार्रवाइयों के दौरान 6,650 गैर मियारी कुल्फियां, 100 किलो मुजरे सेहत दही, 24 किलो रंग कार्ड तल्ब कर दिया गया। फूड पॉइंट्स मालिकान को भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। मिलावट और दूध मुजरे सेहत दही फरोख्त करने पर 3 मिल्क शॉप को 55,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। और भेरे में अहाता कचहरी में फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक हो गया। मकसूद बशीर अहमद पेशी पर आया हुआ था कि मोटरसाइकिल सवारों ने गोलियां मार दी। थाना भेरा चंद कदम पर होने के बावजूद पुलिस तहखीर से पहुंची। लाश DHQ अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दी गई। SHO भेरा के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शख्साना है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ बासित शहबाज।